मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नर्मदा लेक। फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी के पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। अपने को व्यू गैलरी का टिकट मिल चुका है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, विच इज़ रियली गुड थिंग। जस्ट फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम द स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहुंच गए जी स्टैचू ऑफ यूनिटी। मिनी वर्जन ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है, हाउ दिस स्टैचू वॉज बिल्ट, हाउ दिस प्लेस हैज बीन आइडेंटिफाइड, कितना टाइम लगा, इसका मतलब क्या वैल्यू है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर। भाई यहाँ पे जितना भी एक्सप्लोर करने जाओ ना, कम ही है। ओके ऑल राइट, इट्स टाइम टू गो टू द व्यूइंग गैलरी नाउ। इट्स एन एलिवेटर स्पेस, वील मूव फ्रॉम हियर टू द चेस्ट ऑफ दैट स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑल राइट, फाइनली एट द टॉप ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ग्लास है, इसके आगे हम जा नहीं सकते, इसलिए इस साइड का एंगल इतना ही मिलेगा अपने को। द लिफ्ट वॉज वेरी फास्ट। जब नीचे आ रहा था कान में से हवा ही निकल रही, अचानक से कान में सुनना बंद हो गया था। फाइनली एक परफेक्ट पॉइंट मिला है जहाँ से वी कैन हैव अ लुक एट द होल स्टैचू। अभी अभी एक गाइड ने बताया कि ये स्टैचू जो है ना, इस स्टैचू की जो थिकनेस है वो है समवेयर अबाउट 8 मिलीमीटर, और जो अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका थिकनेस है 4 मिलीमीटर, तो उससे तो इसका थिकनेस डबल ही है। एंड प्लस ये भी बताया कि इस स्टैचू का कलर जो है ना, अगले 25 इयर्स में चेंज हो जाएगा, एंड दैट वुड बिकम ग्रीन, एंड आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट 25 इयर्स में ये हो जाएगा ब्लैक। आपको इस स्टैचू में जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना, दो स्क्वायर्स आर पार्ट्स, उसको अटैच कर करके ही ये स्टैचू बिल्ड किया गया है। एंड ये जो पार्ट्स है वो टोटल है 6500। आई डोंट नो ये पार्ट क्यों खुला रखा है, यहाँ से अपने को इसका थिकनेस पता चल रहा है। वी कैन सी द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट, 8 mm बोला है ना, 8 mm ही होना चाहिए। स्टैचू जिसने बिल्ड किया है उसका डायरेक्शन पता है आपको किसने दिया है, राम वी सुतार। यार किसी भी एंगल से फोटो लेना चाहो ना तो भी ये पूरा नहीं आएगा, बैक साइड बड़ा प्लेस है यार, ये थक गया मैं यहाँ पे घूमू, अभी भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इस लाइब्रेरी में बुक्स देखो कितने, वेल दिस इज अ पेंटिंग नॉट बुक्स। ओ ये फिक्स्ड है, मूवेबल भी नहीं है। इसमें आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, वीडियोग्राफी करना चाहते हो, कम्प्लीटली अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ऑफकोर्स मैंने मास्क निकाला है बिकॉज यू कैन सी मेरे आसपास कोई नहीं है, ये सब देख के मैंने मास्क निकाला। सो हाँ,
वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक आए, एक्सप्लोर करे और दुनिया को बताए कि यहाँ पे क्या है, कैसे है। फाइनली ऐसा लग रहा है अब क्राउड आना स्टार्ट हो चुका है। मैं काफ़ी अर्ली, मतलब ऑलमोस्ट मैं पहले स्लॉट में आया था, इसलिए जब मैं आया तब ज़्यादा क्राउड नहीं रहा होगा, बट अब क्राउड दिख रहा है।